तो भाई आज बहुत गर्मी है और दोपहर के टाइम में ऊपर आया हूँ इसे ओसोनर डी टेबलेट देने, इसे इस उल्लू के पट्टे को, और धूप भी बहुत तेज़ है। इसको टेबलेट भी देंगे और इसको नहला भी देंगे। क्यों सर, गर्मी हो रही है यार, है ना। तो अब अंदर चलते हैं, मैं मास्क वगैरह पहन लूँ। अंदर मिट्टी उड़ती है, मुझे एलर्जी है मिट्टी से। फिर इसको मैं बांध कर आप वीडियो ऑन करता हूँ। और भाई इसे बांध दिया हमने और सफा पागल है ये, एकदम बिल्कुल उल्टी खोपड़ी नहीं होती, इसने मेरा दम निकाल दिया। कितनी जान है इसमें यार, और बहुत उछलता है ये, देखें यार ये बहुत उछलता है, बहुत उछल कूद करता है, तंग करता है बहुत, थक जाता हूँ मैं इसको बांधने के चक्कर में। अब इसको टेबलेट देते हैं, उसने डी कहाँ है पकड़ जरा, ऑन है, एक सेकेंड, ये है भाई ये टेबलेट ओसोनेट डी, सही है। इसके फ़ायदे ये हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था इंड्रॉप डी मैंने इंजेक्शन दिया था ऐसे, वो इसको हड्डियों में जान लाने के लिए, कैल्शियम के लिए, खून बनाता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके, यही फ़ायदा इसका भी है। पर इंड्रॉप जो है बहुत हैवी चीज़ है वो, इसलिए 2 लाख यूनिट है उसके अंदर, इसलिए वो महीने में या 15 दिन में एक बार देना चाहिए। ये है ओसोनेट डी, जो रोज़ एक टेबलेट देनी चाहिए, ठीक है। ये जितने भी मेरे दोस्त भाई कुत्ते वगैरह पालते हैं, मैं उनको बता दूँ कि ऐसा नहीं हो कि वो इंड्रॉप डी रोज़ रोज़ दे, कुत्ता मर जाएगा, तो कुत्ते ऐसा ही नहीं करना भाई। रोज़ ये टेबलेट दें, महीना दें, डेढ़ महीना दें, तो हर 6 महीने बाद 1 महीना दे दिया करें। तो ओसोनेट डी टेबलेट है, अब इसको देते हैं, अंदर से देखते हैं कैसे निकलती है। इतनी बड़ी टेबलेट है यार ये है। इसको थोड़ा मैं गीला करता हूँ और इसको देने का तरीका बताता हूँ। तो ये टेबलेट इसको देना है ऐसे, थोड़ा मैं गीला कर लूँ इसे। और ये यार ये बड़ा बड़ा मेहनत करवाता है ये। ओए इंदू का पट्टा, चट ये लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। ओए रॉकी ये ले, इसको खिला के ऐसे मुंह बंद कर लेना चाहिए ताकि ये, वो देखा फेंक ही दी इसने, कहाँ है वो बड़ी कौन पाऊंगे। देखा ये इतना मसला है भाई, कुत्तों को दवाइयाँ खिलाना कोई आसान काम नहीं है। फिर अगर हाँ, अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि कुत्तों के साथ कुत्ता बनना पड़ता है, तो भाई ये उस वो मिसाल है। रॉकी खाओ, खाओ खा लिया, इधर खा ली ना, शायद देखी नहीं है ना। हाँ शुक्र है भाई, इनको दवाइयाँ खिलाना बहुत मुश्किल काम है। इसका पानी थोड़ा भर लेते हैं इधर, और दवाई से दे दिए मैंने उसने डी। अब मैं अकेला होता तो कभी भी वीडियो नहीं बना सकता था इसको दवाई देते वक्त, इसलिए मैंने ये बेचारे हसन को बुलाया, ये मेरे जानवर परिंदे भी संभाल लेता अक्सर कहीं मैं जाता हूँ तो। अब इसको टेबलेट तो मैंने दे दी है, अब ऐसा है कि थोड़ी देर बाद इसको मैं नहलाऊंगा। मैं पाइप वगैरह लाया हूँ, पाइप है ले आ नीचे से, वो रहा पाइप। इसको मैं आज हाथ के हाथ नहला भी दूँ, थोड़ा गर्म हो रहा है, हिसाब किताब आज गर्मी है, आज ही हुई है वरना गर्मी हो नहीं रही थी। और इसकी छत वगैरह भी साफ़ करूँगा मैं इंशाल्लाह, ये मिट्टी वगैरह काफ़ी है। नहीं रॉकी, उल्लू का पट्टा तंग करता है सबको, गंदा। तो पाइप लगा दूंगा फिर ऑन करता हूँ। अच्छा तो पाइप मैंने लगा दिया है और ये रहा पाइप। पानी कहाँ है, आ गया पानी भी। और भाई ये इसको नहला देते हैं। अच्छा नहलाते वक्त ये ज़रा ध्यान रखा करें कि कुत्ते के कानों में पानी ना जाए, हल्का फुल्का चला जाए पर ज़्यादा ना जाए, इसलिए कान बचाए करें। और हर नया बंदा ना नहलाए कुत्ते को भाई, इधर का मेरी तरफ नया बंदा ना नहलाए कुत्ते को, कानों में पानी चला जाए तो कुत्ते पागल हो जाते हैं। तो ये देखें आप, ये देखें भाई गरीब कर मुझे मेरे पास ला रहा है। ये है, इसको गर्मी लग रही थी देखे, वरना ये इतनी आराम से खड़े होने वाली चीज़ नहीं है।
इसको गर्मी लग रही थी इसलिए पानी में इतनी आराम से खड़ा दिखा रहा था। वरना ये इतनी आराम से खड़े होने वाली चीज़ नहीं है, सब जानते हैं। अब इसको लग रही थी गर्मी, ये हो जाएगा थोड़ा ठंडा। असल इसको ही रखो, ये देखो अच्छा। इनका शेडिंग का सीज़न भी है तो ये शेड भी कर रहा है, बाल वगैरह भी तोड़ रहा है अभी काफ़ी, तो इस वजह से इसके बाल काफ़ी टूट रहे हैं। खैर अब मैं इसको पूरा ज़रा गीला करता हूँ फिर ऑन करता हूँ, बंद कर देता हूँ। अच्छा तो ये थोड़ा छत पर भी मैं पानी डाल दूँ ताकि अभी दोपहर के तकरीबन 1-2 बज रहे हैं, शाम तक छत ठंडी रहेगी। ये इसका रूम है, अंदर ये रहता है। ये छत पे भी मैं पानी डाल के पूरी छत जो है ठंडी कर दूंगा, इसके रूम में थोड़ा पानी डाल दूंगा दीवारों पर, और फिर ये तकरीबन शाम तक ठंडा रहेगा। यही मेरी रूटीन होती है जब कड़ी तेज़ गर्मियाँ होती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि गर्मियाँ हैदराबाद में बहुत तेज़ पड़ती हैं, तो मेरी रूटीन यही होती है। ये भी ऊपर से छत ढकी जाती है, ये एयर कूलर चलाए जाते हैं, फिर ये गीला किया जाता है सब कुछ। बड़ा अच्छा माहौल बनता है कुत्तों के लिए, बड़ा ठंडा माहौल बनता है। ये मैं दीवारें गीली कर दी मैंने, अब ये शाम तक कल तक गीली ही रहेंगी, ये ठंडी रहेंगी ये, ठीक है। बंद कर भाई फिर मुझे एलर्जी हुई, मुझे छींकें आने लग गई। ये मेरा आज का टॉपिक था, इसको नहलाना, इसको दवाई देना, और आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। और अब अपलेट कोई अपडेट है जानवरों की वो दूंगा मैं अगली वीडियो में। तो इसको मैंने फुल नहला धुला दिया, दिखा मैं करीब से दिखाऊँ ज़रा। ये देखे भाई, फुल जिमनास्टिक हो चुका है ये, ठीक है भाई। ये मेरी आज की वीडियो थी, अब इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अब इसको किस कितना चूज़ा सा हो गया ये यार, कितना बड़ा था कितना छोटा सा लग रहा है। चलें अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।